नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी और टोकलाई। The seasons come and go like thoughts of you, like a wave. Avoid spending money which does not contribute to your success. So anyway, welcome back to my video. Hopefully, आपसे बढ़िया होंगे और safe होंगे. जो मैंने पहला line बोला है, आप लोग समझ गए होंगे. तो यार, कोई भी धरती में नहीं चाहता है कि उसका पैसा वेस्ट में जाए. अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहते हो, राइट? अगर आप कॉलेजेस में पैसा दे रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए तो आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ रिटर्न में आए, मतलब कुछ भी आए. क्योंकि देखो, रिटर्न में आए तो बहुत लोग का अलग अलग फंडा होता है. तो आप लोग बोलोगे यार कि सब लोग को पढ़ाई का शौक नहीं है, लोग तो मजे करने जाते हो, तो रिटर्न में कुछ ना कुछ पढ़ाई रहना है. आप जा रहे हो कॉलेज में पैसा दे के जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, उसके बाद अच्छे दोस्त बना रहे हो, भी रिटर्न के लिए आ रहा है ना कुछ ना कुछ, उनके रिटर्न में कुछ ना कुछ तो आ रहा है. अच्छा लाइफस्टाइल आप जो इन्जॉय कर रहे हो कॉलेज के अंदर, पार्टी वार्टी कर रहे हो, वो भी रिटर्न के तौर पे ही आ रहा है ना. तो इसीलिए आप कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहते ही हो. तो यस, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा टोकलाई और नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी के बारे में. दोनों में बेस्ट क्या है, दोनों में कौन सी कॉलेज में अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर, आपको अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, और आपको ये दोनों कॉलेज में कौन सी कॉलेज को चूज़ करना चाहिए. और आप लोग मुझे जानते हो कि मैं दाएं बाएं करके बात नहीं करता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ. तो यस, वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को कंक्लूजन के साथ बता दूंगा कि कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, टोकलाई में जाना चाहिए या फिर नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी NBU में जाना चाहिए. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये दोनों कॉलेज स्टार्ट कब हुआ था. और अभी आप लोग बोलोगे यार हमें स्टार्ट से क्या करना है, आप बताओ क्विकली कि दोनों कॉलेज में से बेस्ट कौन सा है. तो मैं यही बताता हूँ. देखो यार, बींग अ ब्रदर, बींग अ फैमिली मेम्बर आप लोगों का, मैं इतना जरूर बोलूँगा यार कि मैं हमेशा आप लोग के लिए अच्छा चाहता हूँ. हमेशा आप लोग के लिए मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग कुछ करो लाइफ में. तो इसीलिए मैं चाहता हूँ यार, मैं कुछ भी बता रहा हूँ ना तो वो मैं अपने भाई बहन का सोच के आप लोग को बता रहा हूँ. इसलिए मेरी बातों में, और अगर आप अपने अपना सोच के बताओगे ना किसी को तो आप कभी भी गलत नहीं बताओगे. आप पूरा अच्छे से रिसर्च करोगे, पूरा अच्छे से पता लगाओगे इसके बारे में, और उसके बाद आप कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचोगे. तो इसलिए मैं आप लोग को अपना सोचता हूं, इसलिए मैं आप लोग को जो भी बता रहा हूं वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट है. और मैं इतना ही बस बोलूँगा आप लोग कि वो फॉलो करो आप लोग. एंड यस, हार्डवर्क करना आप लोग के ऊपर है, मेरा काम है. मैं आप लोग को बस रास्ता बता देता हूँ कि आपको कहाँ जाना चाहिए, ठीक है? तो यस, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि दोनों कॉलेज ओपन कब हुआ था, खुला कब था. तो यस, जो टोकलाई है वो 1911 में स्टार्ट हुआ था, एंड जो नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी है वो हुआ था 1962 में. अभी आप लोग बोलोगे कि यार ये हमें ईयर क्यों बता रहा है कि कब कॉलेज खुला था, हमें क्या करना होता है. लेकिन बहुत फर्क पड़ता है, 1911 और 1962 में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, राइट? कितने सालों का फर्क है. और आप सोच सकते हो कितना पुराना है टोकलाई, और टोकलाई को वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली का. ये एक पहला डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो कि काफ़ी फर्क रखता है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? मैं एंड में वीडियो बताऊंगा कहाँ जाना आपको, लेकिन अभी बस ये थोड़ा सा सुन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? टोकलाई में सिर्फ टी के कोर्सेज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टोकलाई टी रिसर्च एसोसिएशन. ये अपने में ही एक दुनिया है टी गार्डन का. यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल से लेकर सब कुछ आपको सिखाया जाएगा टोकलाई में. आप खुद देखो के इनके कैंपस सब कुछ. टी में जब आप घुसोगे, इंडस्ट्री में घुसोगे, उनसे इंस्पायर है इनका सब कुछ. क्योंकि आपको, मैंने पहले वीडियो बताया कि आपको वो लोग पहले से ही प्रिपेयर करा रहे हैं कि आप इन फ्यूचर जब जाओगे टी गार्डन में तो आपको कैसा लाइफ जीना है. तो इसलिए सब कुछ प्रिपेयर करा देंगे. नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लॉ होते हैं. मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया टी के ही अलग अलग पार्ट ऑफ कोर्सेज है, और काफ़ी लंबा टाइम का भी कोर्सेज होता है. तो पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप टोकलाई में पढ़ रहे हो, ऑफकोर्स टोकलाई में एक चीज़ आपको करना पड़ेगा कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही एडमिशन लेना पड़ेगा टोकलाई में.
बट अगर आप नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में जाओगे यहाँ पे भी कोर्सेज है जहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो टी का। ये इसमें फर्क है जिसमें मैं बोलूँगा कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी बेस्ट है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है यहाँ पे, अगर जो लोग 12 पास है उनको जाके करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो ग्रेजुएशन जिन्होंने ख़त्म कर लिया उनके लिए टोकलाइज जाना बेस्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, उनके लिए टोकलाइज जाना बेस्ट है। क्यों टोकलाइज बेस्ट है? क्योंकि यार देखो, टोकलाई मैंने जैसे कि बोला कि टोकलाई अपने में ही एक दुनिया है, और ये टोकलाई वाले आप लोग को और भी अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे टी के अलावा कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, ये चीज़ याद रखना। और प्लेसमेंट वाइज दोनों में बेस्ट क्या है, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी या फिर टोकलाई? टोकलाई, टोकलाई में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट आते हैं। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में MSc जो कोर्स है वहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं, आप जब उनके वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 100% प्लेसमेंट है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का, बट ऐसा नहीं है टू वेरी ऑनेस्ट। तो मैं इतना बात जरूर बोलूँगा कि टोकलाई में जो प्लेसमेंट है वो होता है 90% से 80% के बीच में टोकलाई का प्लेसमेंट चलता है, अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो यह टोकलाई में अगर आप पैसा लगा रहे हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है टोकलाई, मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। क्यों मिलता है, इतना मेहनत क्यों करते हैं टोकलाई की एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके ऊपर से काफ़ी लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें से 40-50 लोग सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन आप लोगे तो आप खुद ही बोलोगे यार कि यार हमें जितना नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत प्रैक्टिकल वर्कशॉप कराते हैं और काफ़ी बड़े बड़े लेक्चरर्स आते हैं, प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छी सी कंपनी आती है टोकलाई में। एंड यस, मैंने एक वीडियो में बोला था कि टोकलाई में इस साल शायद प्लेसमेंट ना आए, बट यस अब प्लेसमेंट आना स्टार्ट हो गया है टोकलाई में, और टोकलाई प्लेसमेंट के मामले में बेस्ट है। और बाय एनी चांस भगवान ना करे अगर प्लेसमेंट ना हो किसी का टोकलाई से, तो ट्रस्ट मी टोकलाई का नाम काफ़ी होता है। आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी टी गार्डन में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे ना, वहाँ पे आप बोल सकते हो कि टोकलाई में मैंने डिप्लोमा ख़त्म किया है, तो आपका इम्पैक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई आता है इंडिया में और बोलता है कि यार मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आया हूँ पढ़ के, तो आप नहीं बोलते यार ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, तो फिर उसी तरह टी इंडस्ट्री में टोकलाई बेस्ट है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग को चूज़ करना है दोनों के बीच में, टोकलाई या फिर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, टोकलाई में जाओ। और एक बात, दोनों कॉलेज अपनी अपनी जगह में बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका टोकलाई में नहीं हुआ तो आप नॉर्थ बंगाल में नहीं जाओगे, आप अगले साल टोकलाई के लिए प्रिपेयर करोगे, ऐसा नहीं होता है। टोकलाई अपने में बेस्ट है, नॉर्थ बंगाल अपने में बेस्ट है। आपको नॉर्थ बंगाल में भी अगर एडमिशन मिल गया है, एडमिशन मिल जाएगा नॉर्थ बंगाल में, इतना कुछ टफ नहीं है, नॉर्थ बंगाल में एडमिशन मिल गया है तो जाओ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अच्छे कॉलेज है, अच्छे फैकल्टीज मेंबर्स है वहाँ पे भी। लेकिन अगर आपको उससे पहले टोकलाई में मिल गया टोकलाई में जाओ, अगर नहीं मिला तो नॉर्थ बंगाल चूज करो। और यस, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ अगर दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है कि आपको टोकलाई में मिल जाएगा, आपको पता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा पता है, तो आप टोकलाई में जाओ, बस ये मैं बोलना चाह रहा था। और जो लोग दूर में रहते हैं वहीं पे जहाँ दार्जिलिंग वार्जिलिंग रहते हैं उनके लिए नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो यह कोई वरी की बात नहीं है, टोकलाई जाओ, टोकलाई बेस्ट है। अगर टोकलाई में नहीं मिला तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी है, लेकिन कंपैरिजन में टोकलाई बेस्ट है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है? तो यस, होपली आप लोग का सब डाउट क्लियर हो गया हो। तो यस, कभी भी लाइफ में जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, लाइफ का कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो तो वाइजली डिसीजन लो, सोच समझ के डिसीजन लो। और यस, कभी कभी गलती से डिसीजन कुछ और हो जाता है तो दूसरा चांस भी मिलता है, उस पर अच्छा डिसीजन लो। एक बार गलती होना चलता है, कुछ नहीं, उस गलती को सुधारना इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई करो, इन्जॉय करो, स्ट्रेस मत लो, लाइफ शॉर्ट आउट है। तो चलो, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होपली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और डाउट क्लियर हो गया हो आप लोग का। तो यस, मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से अगले वीडियो में, व्लॉग भी हो सकता है। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना जिनको जरूरत है ये वीडियो। और यस,
सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगा हो तब भी. टेक केयर, एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ. एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ, माँ बाप का चेक करो, माँ बाप का ख्याल रखो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनी जाओगे.